भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे सहयोगी श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, आपके प्रभारी और पार्टी के महासचिव सम्माननीय श्री मुरलीधर राव जी, पार्टी के महासचिव सम्माननीय श्री अरुण सिंह जी, आपके इस कार्यक्रम के संचालक श्री कोठारी जी, पटना के विधायक और युवा मोर्चा के महामंत्री श्री नितिन नवीन जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्षगण, राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य, बहनों और भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि जो नियत समय था उस समय से मैं आपके बीच नहीं पहुँच सका, थोड़ा विलंब हुआ। मैं इसी प्रदेश का नागरिक हूँ और इसलिए प्रदेश के नागरिक होने के नाते युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और देश भर से आए हुए नौजवान बहनों और भाइयों का इस प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि समाज नीति, लोक नीति और अध्यात्म की जो त्रिवेणी जिस धारा से निकलती है, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है इन दो विषयों पर विशेष रूप से आने वाले दो दिनों में आप सब चर्चा करने वाले हैं। मेरे पूर्व बताया लोगों ने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म स्थान यही है और थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो श्रद्धेय वाजपेयी जी का भी गांव बटेसर इसी के आसपास ही मिलेगा। तो इस दृष्टि से भी ये दोनों स्थान आपके लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं विनय शास्त्र बुद्धे जी को बहुत ध्यानपूर्वक मैंने सुना, सरकार की उपलब्धियों की जिस तरह से उन्होंने चर्चा की है, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं बची है कि वो उसको आगे बढ़ाए, तो मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातों का जिक्र करके अपनी बात पूरी करूँगा। मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक संगठन, खासतौर से युवा संगठन, देश में या समाज में क्यों काम करता है, इस पर हमें जरूर विचार करने की जरूरत है। सामान्यतया प्रवाह के विपरीत चलना, ये युवा का स्वभाव होता है, और जिसके अनेक उदाहरण अभी अनुराग जी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार आप लोग जिस तरह से आंदोलन किए हैं उसका प्रमाण भी आपने दिखाया है। लेकिन एक राजनीतिक दल के युवा कार्यकर्ता हम हैं, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल की पहचान उसके चुनाव के जय और पराजय से होती है, और इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि चाहे संगठन हम जितना बड़ा कर लें, चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे तो जनता की नज़र में हम महत्वपूर्ण राजनीतिक दल नहीं माने जाए। और आज हम महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते लोकसभा की 282 सीटें हमने जीती, अपने सहयोगियों के साथ वो संख्या 332 या 336 हो गई, इसलिए हम महत्वपूर्ण हैं। आज ही जब मैं आ रहा था तो 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं, उन प्रदेशों के भी हमारे साथी यहाँ होंगे। 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे ऐसी हमारी ताकत नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन जिन राज्यों में हमारी ताकत है, मैं समझता हूं कि सम्मेलन से हमको संकल्प लेकर के जाने की जरूरत है कि उन राज्यों में सरकार बने इसके लिए जितनी हमारी ताकत है हम जरूर लगाएंगे। और कभी कभी व्यक्ति का या मानव का धर्म भी बड़ा असमंजस, मैंने दुविधा में हो जाता है आदमी। अब कुंती का नाम आप सबने सुना है, मुझे अरुण सिंह जी ने कृष्ण का नाम लिया तो मुझे कुंती का स्मरण आ गया। तो कुंती को एक बार भगवान ने वरदान दे दिया उसके सत्कर्म के कारण कि जब तुमको जरूरत हो तो हमसे वरदान मांगना। पांडवों का वनवास हो गया था, 5 गांव नहीं मिल रहे थे, पांडव युद्ध कर रहे थे, तो कुंती चाहती तो यही वरदान मांगती कि हमको विजय मिल जाए और जो राजपाट चला गया है वो हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन जिनको थोड़ा महाभारत का ज्ञान है तो कुंती ने ये नहीं मांगा भगवान से, उसने कहा कि हे भगवान, हमारे ऊपर बराबर विपत्ति आती रहे ताकि हम आपका स्मरण करते रहे, ये भगवान से उसने प्रार्थना की।
और वही आगे चल करके जब पांडवों की विजय हो जाती है और भीम और अर्जुन कहते हैं कि अब तो विजय प्राप्त हो गई, चलो राज करना है, वहाँ चला जाए, तो कुंती अपने पुत्र की बात नहीं मानती। उसने बहुत नाराज हो जाते हैं भीम का, तुमने हमको प्रेरित किया युद्ध लड़ने के लिए, और अब जब युद्ध में विजय हो गई, राज मिल गया, और आपसे कहा जा रहा कि नहीं चलिए राज करना है, तो आप मना कर रही हो, कारण क्या है? तो कुंती ने जो जवाब दिया भीम को वो बड़ा मुझे लगता है कि प्रेरणास्पद है। उसने कहा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना ये क्षत्रिय का धर्म है, और इसलिए हमने तुम्हें आदेश दिया था कि युद्ध करो और विजय प्राप्त हो गई। अब हमारा धर्म दूसरा है, अब हमारे जो ज्येष्ठ हैं वो वनवास जा रहे हैं, तो मैं जाऊंगी उनके साथ और उनकी सेवा करूंगी, अब राजपाट भोगने के लिए मैं नहीं रहूंगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते 2014 मई के पहले तक आपका दायित्व दूसरा था अनुराग जी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हिंद महासागर के उस पार जाए, इसके लिए जितना यत्न करना था उतना आपने यत्न किया। अब मैं समझता हूं कि आपका दायित्व बदल गया है, अब दायित्व हो गया है कि जिसका जिक्र विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने किया है, इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी देश के अधिकाधिक लोगों को हम पहुंचा सकें। और ठीक कहा मुरलीधर राव जी ने कि देश में एक बड़ा वर्ग है खासतौर से मीडिया का, और एक दूसरा वर्ग है, मैं उसे अगर उत्तर प्रदेश के शब्द में कहूं तो दलालों का, और दिल्ली के शब्द में कहूं तो क्या कहूं मैं, लाइजनिंग वालों का, वही है, बिहारी हो तुम यार, तुम कैसे जान गए? ऐसे 500 लोग हैं इस देश में जिनको ये विश्वास था कि देश में जो काम हम चाहेंगे वो निश्चित रूप से करा लेंगे। नाम आप जानते हैं, पिछले दिनों में अनेक नाम चर्चा में आए। ऐसे लोगों का रोजगार पूरी तरीके से बंद हो गया है, वो दिल्ली में नहीं देश भर में फैले हुए हैं, और ये 400-500 लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये जो सरकार बनी है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण, या देश की जन आकांक्षाओं के कारण, इस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे इस सरकार को घोषित कर दिया जाए कि ये काम करने वाली सरकार नहीं है, ये केवल नारा देने वाली सरकार है, मैं समझता हूँ इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी और संगठन में काम करने में मुझे लगता है कि मुरलीधर राव जी इस विषय को बहुत ठीक से जानते हैं, और मैं तो ये सब काम नहीं करता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि एक जो पद है कार्यकर्ता का, वो अस्थायी पद है। महासचिव अध्यक्ष पूर्व होने वाले हैं, मंत्री पूर्व होने वाले हैं, विधायक सांसद ये सब आज हैं, कल पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव सब होने वाले हैं, लेकिन हमारे संगठन में जो पद है कार्यकर्ता का, यही अस्थायी पद है, और मैं समझता हूँ कि इसको कोई न छीन सकता है न हटा सकता है। तो इस पद के प्रति, इस जिम्मेदारी के प्रति जीवन भर भाव ठीक बना रहे, ये आवश्यकता है। कुछ रेल मंत्रालय की चर्चा करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अनुराग जी ने कहा है, तो मैं उसकी एक विषय की केवल मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं सीधे रेल पर आ जाऊंगा। मित्रों, पिछले दिनों जब ही जो संसद का सत्र चल रहा है, इसके पूर्व दो सत्र नहीं चले, आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, देश के प्रति आप सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, मुझे लगता है कि इस पर विचार करिए कि आखिर ये संसद के दो सत्र क्यों नहीं चले और उससे देश का क्या नुकसान था। अब कोई मान ले कि नहीं हमारा राज रहेगा तभी देश चलेगा, मैं समझता हूँ ये हो नहीं सकता, लोकतंत्र में कम से कम ये बात इस देश में नहीं चल सकती। कुछ लोगों के मन में ये बात बैठ गई है और वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। और सामान्यतया सड़क पर चौराहे पर हम भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब 20 महीना हो गया, 21 महीना हो गया, मोदी जी ने किया क्या, अनेक जगह चर्चा होती है, अब वो चर्चा थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में चर्चा बड़ी तेज। मैं मानता हूं कि एक बड़ा काम इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2014 अप्रैल के पहले का जरा इतिहास देखिए, 8-10 महीना पहले अखबार की प्रमुख खबरों की तरफ अपनी निगाह ले जाइए,
तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द था वो भ्रष्टाचार था। आए दिन उसी पर चर्चा होती थी और आज भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता गर्व से कह सकता है कि पिछले 21 महीने में भारतीय राजनीति के शब्दकोश का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द था भ्रष्टाचार, उसको श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन मुझे लगता है करना जितना कठिन है। आप में से अनेक लोग इस आशय को समझ रहे होंगे, ये सामान्य उपलब्धि नहीं। दूसरी बात देश के विकास की बता रहे थे विनय सहस्रबुद्धे जी, मैं उसके जिन बातों को उन्होंने कहा मैं उसको दोहराने नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो विरासत में देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार को मिली थी, जो वाजपेयी जी सत्ता छोड़ करके गए थे, पूरे देश में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा हो रही थी। 10 वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कहां पहुंचे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरी दुनिया में जिस तरह से दिक्कतें हैं खासतौर से, और देश में बारिश कम हुई बावजूद इसके, मैं समझता हूं कि देश की आर्थिक विकास दर को इस सरकार ने लगभग 2.5 या 2.6 अंक बढ़ाने का काम किया है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब नारों से, प्रदर्शनों से, पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तमाम नारे देते थे, उससे देश से गरीबी नहीं मिट सकती। गरीबी के खिलाफ जहां जहां निर्णायक संघर्ष हुआ है और विजय मिली है अगर देशों को, तो उसका एक ही मैं मानता हूं कि मूल मंत्र है कि इस देश की भी आर्थिक विकास दर 10 के ऊपर 1-2 साल नहीं, कम से कम 10-15 साल रहे, तब जाकर के देश की गरीबी समाप्त हो सकती है। लगभग 7.4-7.5 GST का भी लंबे समय से अटका हुआ है। देश नहीं, दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर GST का बिल पारित हुआ तो 1.5 से 2% आर्थिक विकास दर देश की बढ़ेगी, माने लगभग 9 के ऊपर हम चले जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह कि यह बात देश के एक एक नौजवान को समझाने की जरूरत है कि कांग्रेस और उनके साथी जो UPA में रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हाथी हो चाहे साइकिल, बिहार में नीतीश हो चाहे लालू हो, कौशन जी, ये जितने नाम ले सकते हैं, हम नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये जब देश की सत्ता में थे तब भी देश पर और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ थे, और आज जब विपक्ष में हैं तब भी ये देश पर और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं। और इनको जहां जहां जब जब अवसर मिले तो देश की जनता सबक सिखाए। मैं समझता हूं कि जिन्होंने राष्ट्र के प्रगति को रोका है, इनके खिलाफ युवा मोर्चा को जागृति पैदा करने की जरूरत है। कुछ अन्य कारणों से कहीं कहीं सफलता मिल गई है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वैसी स्थिति न हो इसकी चिंता हम करेंगे, पार्टी करेगी, हम क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथी यहाँ हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, 2 गठबंधन और 71 हम, जो सीटें हमें नहीं मिली तो वो किसी पार्टी को नहीं मिली, 2 कांग्रेस पिता माता और पुत्र और 5 मुलायम सिंह जी के परिवार को। उसमें भी निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो शायद परिणाम कुछ और होता, शायद वो सीटें और भी बढ़ सकती। मेरा आपसे आग्रह यह है कि 2017 विधानसभा का चुनाव देश के राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, इसका निर्णय उत्तर प्रदेश की जमीन पर होने वाला है। और इसलिए आज युवा मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कल परसों रहेंगे, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, क्योंकि अगर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी तो 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसे उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, उसे उल्टा प्रदेश इन लोगों ने बना दिया। तो ये संकल्प लेकर के हम जाएं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए अगर 1.5 वर्षों तक, 1 वर्ष चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने संघर्ष किया सड़कों पर, तो 1 वर्ष का समय इसके लिए देंगे कि सपा और बसपा इस बार उत्तर प्रदेश में न दिखाई पड़े, वो भी हिंद महासागर के उस पार चले जाए, इसका संकल्प निश्चित रूप से लेकर के यहाँ से जाने की आवश्यकता है। भारतीय रेल का जहाँ तक प्रश्न है मित्रों, मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं
दो चार बुनियादी बातों का जिक्र करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भारतीय रेल को इस तरह से समझने की जरूरत है कि आजादी के बाद यात्रियों की संख्या देश में लगभग 17 गुना 18 गुना बढ़ गई। माल भाड़ा जिसे आप फ्रेट ट्रैफिक कहते हैं वो 9 गुना बढ़ गया और भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो 2.25 गुना बढ़ा। यातायात और नेटवर्क के बीच इतना भारी अंतर हुआ है जिसके कारण लोगों की मांग के अनुरूप गाड़ी चलाना, समय से गाड़ी चलाना और पहुंचाना ये बड़ी भारी चुनौती थी। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम निवेश की बात करें, तो जब से इस देश में डीजल और पेट्रोल को सेस लगा, रेलवे की तुलना में हाईवे सेक्टर में 6 गुना से ज़्यादा निवेश हो गया। तो भारतीय रेल स्वयं उपेक्षा की शिकार रही है पहली सरकारों की, और इसलिए इस सरकार ने विशेष रूप से तय किया, और मैं कहूँ कि विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय रेल को सामान्य आदमी के परिवहन का साधन मानते हैं, उनके कारण मैं कह सकता हूं, और हमारे जो रेल मंत्री हैं श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, उन्होंने वैकल्पिक संसाधनों का इंतजाम किया जिसके कारण भारतीय रेल में निवेश भारी मात्रा में बढ़ा है। और 6.5 लाख 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने वाले 5 वर्षों में भारतीय रेल में हो, इसका फैसला सरकार ने किया है। 2015-16 का जो बजट, पिछली बार जो पूरा बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया, पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा धन भारतीय रेलवे के लिए आवंटित किया सरकार ने। उसके पहले 50,000-52,000 करोड़ यही भारतीय रेलवे का एलोकेशन होता है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। इस बार 1,21,000 करोड़, और ये 2 वर्षों के बाद अगले बार का जो निवेश होगा वो 2 लाख करोड़ के ऊपर होगा। हमारी कुछ सीमाएं हैं, 492 हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं रेलवे के जो 100% से ज्यादा क्षमता से आज की तारीख में चल रहे हैं। माने 100 रेलगाड़ी चलनी चाहिए तो 160 चल रही है, 170 चल रही है, 180 चल रही है। और इसलिए पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि इस रेलवे के नेटवर्क को जल्दी से जल्दी डीकंजेस्ट कर दिया जाए। डबलिंग, ट्रिपलिंग, फोर्थ लाइन, मथुरा जहाँ मैं हूँ यहाँ से पलवल फोर्थ लाइन का काम हमने सैंक्शन किया है, 360 करोड़ रुपये दिया है। मथुरा बीना थर्ड लाइन हम बना रहे हैं, उसके लिए 278 करोड़ रुपये इस बजट में हमने दिया है। इस तरह से देश भर में, केवल मथुरा और आसपास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश भर में जिस तरह से काम शुरू हुआ है। लेकिन अब भारतीय रेल की एक और कठिनाई है, रेल भी चलानी है और काम भी पूरा करना है। अगर रेल का परिचालन बंद कर दिया जाए तो ये काम हम 8 महीने में खत्म कर सकते हैं, फोर्थ लाइन बनाने का मथुरा से लेकर पलवल तक। लेकिन 24 घंटे ट्रेन चलाना है, ट्रंक रूट है, अधिकाधिक गाड़ियां इस रूट पर चलती हैं, तो ट्रेन चलाते हुए काम करना, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है। और दूसरी कठिनाई थी, अश्योर्ड फाइनेंसिंग नहीं थी, प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाती थी, 30 वर्ष चल रही है प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ की राशि मिलती थी, 2 करोड़। इस सरकार ने तय किया कि नहीं, जो भी परियोजनाएं हम स्वीकृत करेंगे उन परियोजनाओं को 4 वर्ष में पूरा करें, उसकी फंडिंग का इंतजाम और कार्य की गति को तेज करना। अगर कुछ आंकड़े मैं आपको और बताऊं तुलनात्मक दृष्टि से, तो पिछले 6 वर्षों की जो प्रगति रही है, 7 वर्षों की, 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन का निर्माण होता था पहले। जब से हमारी सरकार बनी है आज हम 7 किलोमीटर प्रतिदिन रेल बना रहे हैं और रेल लाइन नई बना रहे हैं। दूसरा तथ्य, पहले क्या था कि रेल लाइन बन गई, काम खत्म, कमीशनिंग की बात नहीं होती थी। अब हम उसको लाइन मानते हैं जिसकी कमीशनिंग हो जाती है, मतलब जिस पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाता है। केवल रेल लाइन बिछा दिया, ये अब हमारा आंकड़ा नहीं है, जब उस पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाए तब हम मानते हैं कि निर्माण हो गया। अगले साल 8.5 किलोमीटर प्रतिदिन, उसके अगले साल 13 किलोमीटर प्रतिदिन, और जो अंतिम वर्ष हमारी सरकार का होगा 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बनाना इस देश में, ये इस सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। मैं उन बातों का जिक्र, महिलाओं के लिए 30% सीट आरक्षित कर दिया, सीनियर सिटीजन के लिए नीचे की जो लोअर बर्थ हैं उसमें 50% सीटें आरक्षित कर दी, सामान्य आदमी के लिए हर गाड़ी में अधिकतम 24 डब्बे की, और कुछ जहां बड़े स्टेशन से वहां 26 डब्बे की गाड़ी भारतीय रेल चलाती। ऐसी गाड़ियां जिनमें 24 डब्बे नहीं हैं उनमें न्यूनतम 2 अधिकतम 4 अनारक्षित डब्बे सुविधायुक्त, उसमें भी
स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध रहे, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा रहे, बैठने का अच्छा इंतजाम रहे, न्यूनतम दो और अधिकतम चार कोच हम हर गाड़ी में लगाने वाले हैं। इस तरह से 70 लगभग 85,000 लोगों के बैठने का इंतजाम हम करेंगे। अंत्योदय एक्सप्रेस जो एकदम अनारक्षित गाड़ी होगी, लंबी दूरी की, तेज गति की और बिना किसी आरक्षण के, ताकि देश का गरीब आदमी उसमें चल सके, लंबी दूरी की गाड़ी हम चलाने वाले हैं। तेजस एक्सप्रेस जो अभी मुझे लगता है कि इधर से ही गुजरेगी दिल्ली से आगरा, जिसे पहले गतिमान का बड़ा शोर होता था, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड उसे आप कह सकते हैं। तीसरी जो बड़ी बात मुझे लगता है कि की गई, डबल डेकर रात को चलाने का फैसला हुआ है उदय के नाम से, जिनको जगह नहीं मिलती है डबल डेकर गाड़ियों से, दिल्ली से सीधे अगर पटना पहुंचना है, संजीव या दरभंगा पहुंचना है, तो रात भर में पहुंचा दिए या इसका इंतजाम हम करने वाले हैं। ट्रेन सेट्स इस देश में अभी उसकी कल्पना नहीं थी, पिछले बजट में इसकी चर्चा सुरेश प्रभु जी ने की थी, टेंडर अंतिम प्रक्रिया में है और ट्रेन सेट्स आने के बाद पहले चक्र में 13 ट्रेन सेट्स यहाँ भारतीय रेल ला रही है, तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता के बीच की दूरी ओवरनाइट हो जाएगी, माने शाम को चलेंगे 7 बजे तो सुबह 6 बजे मुंबई पहुंच जाएं, या 7 बजे चलें तो कलकत्ता पहुंच जाएं। ये इंतजाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर अखबारों में बहुत आता रहा है, जब वो परियोजना शुरू होगी तो लगभग मोटे तौर पर 7 वर्ष में वो पूरी होगी। कई लोग इसके खिलाफ भी बोलते हैं कि साहब क्यों कर रहे हैं, जब साधारण रेल को ठीक नहीं कर पा रही है सरकार तो हाई स्पीड रेल की जरूरत क्या है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जापान के साथ जो भारत का समझौता था, इसी काम के लिए जापान ने सहयोग देने की बात कही थी, उस पैसे का उपयोग दूसरे किसी काम में हम नहीं कर सकते। और अब तक इस देश में जो ऋण लिया गया है, रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, हमारे आने के पहले से ही उन लोगों ने ऋण लिया था, तो वो जापान ने जो ऋण दिया है उसमें भी 0.2% ब्याज रखा गया है और इसमें 0.1% ब्याज दर पर हमें वो मिल रहा है। उस समय का जो मॉनिटेरियम पीरियड है उससे 10 साल बढ़ा दिया है, 40 वर्ष में ऋण का भुगतान करना था, अब हम 50 वर्ष में ऋण का भुगतान करने वाले। तीसरी बात, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो भी काम जापान ने पैसा दिया है या वर्ल्ड बैंक ने, तो मोटे तौर पर सारी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। ये जो प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद, इसके बीच 17,000 करोड़ का काम छोड़ करके जो शेष काम है वो सब भारतीय कंपनियां करेंगी, मानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का काम भी इस परियोजना के अंतर्गत होने वाला है। पहले तय हुआ था 4 स्टेशन बनाने का, 12 स्टेशन उस पूरे 508 किलोमीटर के बीच बन रहे हैं, जिसमें सूरत, बड़ोदरा अनेक शहर हैं। दो तरह की ट्रेनें चलेंगी, एक केवल 4 जगह रुकेगी, 2 घंटे 7 मिनट में पहुंच जाएगी, दूसरी जो ट्रेन होगी वो 12 स्टेशन पर रुकेगी, वो 2 घंटे 53 मिनट में पहुंचेगी। इस तरह का इंतजाम किया गया है। मोटे तौर पर मैं आपको विश्वासपूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल का पुनरुद्धार निश्चित रूप से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। जो लक्ष्य रखा है सरकार ने कि गुड्स ट्रेन माने मालगाड़ियां जो इस देश में चलती हैं उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, पहली बार इस देश में इस सरकार के नेतृत्व में टाइम टेबल वाली मालगाड़ी आने वाले 1 महीने में हम चलाने वाले हैं। हम पायलट बेसिस पर 2 चलाने वाले हैं और 2 वर्ष में मालगाड़ियों का भी टाइम टेबल इस देश में प्रकाशित कर दिया जाएगा, जैसे पैसेंजर गाड़ियों का किया जाता है, ताकि व्यापारी भी निश्चिंत हो सके कि हमारा माल सुरक्षित पहुंचेगा। अंतिम नीतिगत बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दुनिया भर में रेल ने जहां जहां सफलता की कहानी लिखी, मोटे तौर पर रेल की आमदनी के स्रोत 2 ही हैं, एक यात्रियों से किराया हम लेते हैं और दूसरा माल भाड़े की ढुलाई से। भारतीय रेल की लगभग 68% आय वो माल भाड़े की ढुलाई से होती है और यात्रियों को जो टिकट हम देते हैं अगले महीने से जो टिकट आएगा उस पर पीछे हम लिख करके सबको देंगे कि आपकी यात्रा रियायती है, भारत सरकार का इसमें इतना सहयोग है, अगर आप दिल्ली से मथुरा भी आएंगे तो 13 रुपया भारत सरकार का उसमें ही हम लिख करके देने वाले हैं, ताकि देश के लोग जान सकें
कि देश का सामान्य यात्री भारत सरकार की सहायता से यात्रा कर रहा है, नहीं, वास्तव में जो भारतीय रेल का खर्चा है वो इससे कहीं ज़्यादा, तो क्रॉस सब्सिडी हम देते हैं। तीसरी आमदनी है नॉन टिकटिंग रेवेन्यू जिसे कहते हैं, तो जिन देशों ने सफलतापूर्वक रेल की कहानी लिखी वहाँ नॉन टिकटिंग रेवेन्यू को उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ाया। ऐसे देश हैं जिनकी नॉन टिकटिंग रेवेन्यू 20% है, आज हमारे देश की नॉन टिकटिंग रेवेन्यू 5% से भी कम है। इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है इसे 10% तक हम ले जाएंगे। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, प्राइवेट साइडिंग्स, पार्सल, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस है पार्सल का, और भारतीय रेल के पास उसमें शेयर बहुत कम है। एडवर्टाइजिंग का, कुरियर का, ये तमाम ऐसे काम 500 PFT आने वाले 3 वर्ष में बना करके इस देश में ये सरकार देने वाली है। 100 तो इस वर्ष निश्चित रूप से, 27 प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल हैं, लगभग एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में 200 से 250 करोड़ रुपये खर्च होता है और हमारा एक पैसा लगना नहीं है, रेवेन्यू अलग से जनरेट होनी है। तो 100 प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल और 100 प्राइवेट साइडिंग इस वर्ष स्वीकृत करके बनाना। पोर्ट कनेक्टिविटी 4 को हमने ऑलरेडी दे दिया है, 3 को हम इस वर्ष पूरा कर देंगे। तो इस तरह के अनेक उपाय सरकार कर रही है ताकि नॉन टिकटिंग रेवेन्यू भी हम बढ़ा सकें। मैं ये नहीं दावा कर सकता कि स्वच्छता अभियान के कारण पूरी भारतीय रेल स्वच्छ हो गई, अभी भी कई स्थानों पर गंदगी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले की तुलना में काफ़ी सुधार आया। अब साफ रखना और गंदगी न करना, मैं मानता हूं कि ये समानांतर रूप से रेल की पटरी की तरह है। अब संजीव बैठे हैं आपके बिहार से आए हुए, सुल्तानगंज स्टेशन पर आम और चूड़ा खाया जाएगा तो सफाई क्या इतनी कराए। तो देश में भौगोलिक जो विभाजन है, आप मुझे लगता है कि जाएं तो उसका भी अंतर पड़ता है, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के कारण लोगों की मानसिकता में भारी बदलाव आया और मैं खुद साक्षी हूं उस बात का। एक हमारे पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं वाराणसी से ही, श्री केदारनाथ सिंह, बनारस में जो लोग रहते हैं वो पान खाना उनके स्वभाव में है, वो पिछले दिनों उत्तरांचल गए हुए, गाड़ी से जा रहे थे और दरवाज़ा खोला उन्होंने काम करने के लिए, समझ गए होंगे आप लोग संकेत। तो उनका जो ग्रैंडसन है बगल में बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि बाबा ये काम बहुत गलत है, और मजबूरी में बेचारे बहुत देर तक मुंह में रखे रहे, फिर आगे गाड़ी रोकी तो फिर उन्होंने अपना काम किया। दूसरी घटना, बनारस में लंका एक जगह है, वहाँ एक चाय की दुकान है, जब मैं पढ़ता था तो उस दुकान पर जाया करता था। संकट मोचन मंदिर से दर्शन करके मैं निकला, बहुत दिन हो गया था, तो मैंने गाड़ी खड़ी की, चाय पी रहा, तो सामान्यतः चाय पी करके कुल्हड़ सड़क पर फेंक देना, ये बनारसी स्वभाव था, थोड़ा बदल गया है, अब वहाँ भी इंतजाम है कुल्हड़ डालने का। एक आदमी ने कुल्हड़ सड़क पर फेंका तो 10 लोगों ने उससे कहा कि भाई ये काम गलत किए हो, उठाओ और ले आकर के इसमें डालो। तो ये मानसिकता लोगों की बदली है, मुझे लगता है कि जितनी ये तेज़ी से बदलेगी इस अभियान में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और अनेक लोग इस अभियान से जुड़े हैं। मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है, मैं मानता हूँ कि ये जिसका जिक्र हमारे मुरलीधर राव जी ने किया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें एकजुट होकर, और वो ऐसे नहीं कि कभी जो कभी एक दूसरे से आँख नहीं मिलाते थे वो भी सब एक साथ हो गए हैं, एक साथ मिल करके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको अपनी ताकत उसी हिसाब से बढ़ानी है। युवाओं के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो ताकत आज हमारी है, अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं अपने अगले कार्यकाल में इस ताकत को हम दोगुना करेंगे, तब जाकर के इन तत्वों का हम मुकाबला कर पाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर तो युवा मोर्चा को खुल करके मैदान में आने की ज़रूरत है। और अंतिम बात कह के अरुण जी ख़त्म करता हूँ, एक मिनट में, नहीं मुझे भी जाना है। एक साथ काम करने का जो स्वभाव है ये हमारे यहाँ विलक्षण है, और उसको बनाए रखना मैं समझता हूँ इसी से संगठन को मजबूती मिलती है। सामान्यतया इधर एक नई पद्धति आ गई और वो है किसी के बारे में कोई सार्वजनिक रूप से राय दे देने की, प्रतिक्रिया व्यक्त कर देने की। इससे थोड़ा जितना हम बचेंगे, अगर उसके बारे में कुछ कहना है
तो उसी से कहा जाए, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। और अगर मैं वो नजूदन वाली बात कहूँ, जीसस क्राइस्ट का नाम आप सब लोग जानते हैं, उनका जन्म एक गांव का नजूदन वहीं हुआ था, तो वो बड़ा पुराना किस्सा है, सब लोग जानते हैं। कोई गलत काम एक महिला ने किया तो गांव वालों ने पंचायत करके सजा दे दी कि इसको गांव के चौराहे पर खड़ा करके और पत्थरों से मार करके इसकी हत्या कर देनी। खड़ा कर दिया गया महिला को, उसको देश भर गाँव भर के लोग इकट्ठे हो गए, पत्थर लेके हाथ में खड़े थे। तब तक वो जीसस क्राइस्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई एकदम मैं स्वागत करता हूँ आपके निर्णय का, लेकिन पहला पत्थर वो चलाएगा जिसने जीवन में कोई अपराध या गलती नहीं की है। तो सब हाथ उसी तरह रुक गए और फिर वो पत्थर नहीं चला। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी प्रेरणा दे सकता है, हम क्या करते हैं इस पर ज़्यादा जोर दें। हम अनुराग जी ने क्या किया, मुरलीधर राव जी आए कि नहीं आए, ये चर्चा जो है ये हमारे स्वभाव में नहीं थी। धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अगर हम आत्मनियंत्रण कर सके तो कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा को कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारा या विरोधी हमारा पराजित कर सकता है। हम एकजुट रहें, हम हारेंगे तो अपने कारण से हारेंगे, दूसरा हमें नहीं हरा सकता है। इतनी बात करता हुआ मैं अनुराग ठाकुर जी को, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आपके बीच अपने दो शब्द कहने का, और आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद। जय भारत।